बंदी कर दी उसी में, बंद कर दूं जब इम्पोर्टेंट लाइफ है। अब कौन सी चलाओ फिर दूसरी? जियो पे तू कितने ही फोन कर ले वैसे लाइफ बंद नहीं होती। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो सभी? राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी सभी को, राम राम भाई, कैसे हो सब? कंपनी ने मना किया है, अक्की दोबारा ले यार, नेटवर्क दिक्कत कर रहे हैं। ओके समझे अक्की भाई, तो आप किसको भी ऐसे लोगों को कॉल पर मत लेना। इसको फोन आया था कंपनी से और इसको झबरा वाला डांस करना है ना बन्नी? ओए मेरी बात सुन, उस टाइम पे तू विक्रांत की लाइफ पे था इसलिए मैंने तुझसे कुछ नहीं बोला। मैं तुझे समझा रहा हूँ, देख दीपक मेरी जान है और मुझे बहुत गंदा लगता है कि कोई भी दीपक के लिए गलत बोले। भाई, बात सुन ले तू मेरी। भाई दीपक तुम्हारी जान है और दीपक मेरी गौंड है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मैं दीपक जो कह मेरी गौंड है और मेरी गौंड का मैल है दीपक, जो नीचे मैल इकट्ठा होता नहीं रगड़ने के बाद, वो है दीपक। इस बहन के लंड को तुम भाई बना रहे हो, ये भाई के लायक है? ये भोजड़ी का दो मुआ सांप, ये मादर चोद, ये भाई के लायक है? औकात से बाहर निकल, जब तेरी औकात नहीं है एक जोड़ी लगते देने के दीपक को, तू सारी औकात पता है तुम्हें? मेरी औकात पता है? मेरी औकात पता है तुम्हें? तुम्हें मेरी औकात पता है? तुम्हें मेरी औकात पता है? इस बहन के लंड दो कोड़ी के चक्कर में तुम मेरे से बोल रहे हो? इस दो कोड़ी के चक्कर में तुम मेरे से बोल रहे हो? तुम्हें मेरी औकात पता है? मुझे पता है। अरे मैं अच्छी तरीके से तेरी औकात जानता हूं। अंकित बताएगा, बता अंकित। हाँ बता। तू एक जोड़ी लायक भी नहीं है, एक जोड़ी लायक भी नहीं है। तू झाड़ू मारता है सिर्फ उस शोरूम में, तुझे दीपक कलाल की औकात पता है क्या है? ऊपर देख दीपक कलाल, तुम किस बहन के लंड के चक्कर में मेरे से बोल रहे हो यार? किस बहन के लंड की उठाएगी चक्कर में मेरे से बोलोगे? बहन का लंड है ये, बहन का लंड है यू, बहन का लंड है दीपक कट्टा, दीपक कट्टा बहन का लंड, अंकित कट्टा दीपक, अंकित और अक्की का कट्टा दीपक, अंकित और अक्की का कट्टा दीपक, इसकी बहन की चूत, अक्की का कट्टा है दीपक, अंकित का भी कट्टा है। इसका मुंह इसे बुला लो ना दिल्ली में, इस बहन के लंड को दिल्ली में बुलाओ, इसकी बहन की चूत इसको दिल्ली बुलाओ, बहन के लंड को। अरे मैं कह रहा हूँ जब दीपक में पड़ेंगे ना, जब दीपक में पड़ेंगे ना तो अंकित भाई भैंसों को चारा देंगे और अक्की भाई हुक्का पिएंगे और बन्नी कपड़े बेचेगा, यू बहन का लट पिटेगा, यू पिटेगा बहन का लोड़ा पिटेगा। मेरी बात सुन, किसी की गांड में नहीं है दीपक को हाथ लगा सके, दीपक के साथ मैं खड़ा हूँ। और बन्नी देख मैं तुझे फिर वॉर्न कर रहा हूँ, दीपक तो कश्मीर में, तू तो मेरे को वॉर्न वॉर्न मत करो, मेरे को वॉर्न वॉर्न मत करो, कोई फायदा नहीं है वॉर्न करने का, मेरे को ना समझ आती किसी की, मुझे नहीं समझ आती वॉर्न वॉर्न, मुझे किस लिए वॉर्न कर रहे हो तुम? इस बड़वे के चक्कर में, दो रुपए की लुगाई के चक्कर में वॉर्न कर रहे हो? लंड का भाई है, लंड का भाई है, यू यू लंड का भाई है, यू दिल्ली आएगा तो अंकित इसे गाड़ी में सकिंग करवाएगा, यू दिल्ली आएगा तो अंकित इसे चॉकलेट लगवा के डेयरी मिल्क सकिंग करवाएगा, कहेगा दीपक सकिंग करते, और यू थार में सकिंग करवाएंगे, नहीं थार में कहेंगे दीपक ले इधर थार बना हुआ, थार सकिंग करवाएंगे। अक्की भैया सुनो, अभी मैं तुमको मम्मी की कसम खा के सब सच सच बताता हूँ, इसने बता मुझे क्या कहा, मैं तुझे 10 जोड़ी कपड़े, तेरी बहन की चूत सच सच बताएगा तू? मैं सच सच बताऊ? मैं बताऊ सच सच? मैं बताऊ सच सच? दीप मैं बताऊ सच सच? मैं बताऊ बहन के लोड़े सच सच? बोल एक मिनट अक्की, एक मिनट शांत हो जा अक्की, एक मिनट शांत हो, तुझे बताऊ मैं सच सच? बोल मैं बताऊ सच सच? वो कपड़े नहीं भेजे, तेरी बहन की चूत ले, तूने किस चाय वाले का एड्रेस दिया है मेरे को बहन के लंडे? तू चाय वाले का एड्रेस देता है कपड़े भिजवाने के लिए? नाला सुपारी ताल में तू बहन के लंड पैदा हुआ है, दो कोड़ी का उठाई गिरा बहन के लंड, दो बंदे पकड़ के तू भाईचारा निभा रहा, कल को तू इनकी भी गांड पर लात मारेगा, मुझे पता नहीं है क्या? हमें कोई फर्क नहीं, बहन के लंड मुझे सब पता है, समझ गया? तू बहन के लोड़े, मैं कह रहा हूँ शांत हो जा, शांत, वरना बहन के लंड रिकॉर्डिंग चालू करी ना तेरे थूत बच जाएंगे वही कश्मीर में।
समझ गया तेरी टांड पे ना, मैं कह रहा टांड पे मशरूम उगा देंगे तब के तब पहन के लट से बोलने दे, पे गाली नहीं देगा भाई पहली बात तो, बोलने के खिलाफ में गांडू दीपक लंड का भाई है, दीपक मेरे लंड का भाई है, दीपक दीपक मेरे लंड का भाई है, दीपक कोई भाई नहीं है। मम्मी की कसम भैया मैंने शोरूम का एड्रेस दिया था, शोरूम का एड्रेस। तुम दोनों पागल हो, तुम दोनों पागल हो, अगर तुम दीपक को भाई मानते हो तुम दोनों पागल हो, तुम दोनों पागल हो, तुम दोनों पागल हो। यू बहन कलंड किसी का भाई नहीं है, यू बहन कलंड किसी का भाई नहीं है। इनने, मैं नाम नहीं लूंगा, इनने जिस जिस को भाई बोला है ना, इनने जिस जिस को भाई बोला है ना, वहां की गांड मारी है। अंकित बोल दे मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक दिमाग की मां मचो, दो मिनट दीपक की सुनने दे, अंकित तू भी चुप रहे यार। भैया मैं कश्मीर में हूँ, मेरे जो मालिक है ना भैया वो आपको बताएंगे कि मैं कैसे लड़का हूँ, मेरे जो मालिक है वो ये डेली टकिंग पकिंग करता है मालिक के साथ, मालिक को डेली अपनी गांड देता है, फिर मालिक इसको रेंट फ्री देता है डेली बोर्ड का। जो पांडू लोग है ना ये साले खुद ही हरकतें करते हैं, जब तेरी बस की नहीं थी साले एक जोड़ी कपड़े भी दीपक को देने के लिए, तूने 10 जोड़ी के लिए क्यों बोला था? एक बार तेरे बस की है, तेरे बस की दिल्ली आना है ना भाई, दिल्ली आना, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, एक मिनट रुक जा, मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, और इसका कोरियर भी आके देख ले, इसको कोरियर गया ही नहीं गया है, और इस बहन के लंड को मैं कह रहा हूँ अच्छी भी ना भेजू, मैं कह रहा हूँ इसे 20 भी ना भेजू बहन के लंड को, मैं कह रहा हूँ इसको बहन के लंड को 50 रुपए के अंडरवेयर भी ना भेजू। तेरी बहन की चूत दीपक, तू भाइयों को भिड़वाता है, बस तू भाइयों को भिड़वाता है, बहन के लोड़े तेरे बस की कुछ नहीं है, बहन के लोड़े कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा, इसके कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, मैं बता रहा हूँ भाई। जब इसे पढ़ेंगे ना तुम भी नहीं बचाओगे, क्योंकि तुम दोनों के दिल को भी पता है इसके कर्म कैसे है बहन के लोड़े के, ठीक है ना? ये जान है मेरी, या बात है तू यो जान ना है, यो गांड है तुम्हारी, यो जान ना है, यो गांड है तुम्हारी, यो गांड है, जो पीछे गांड पे तिल है ना तुम्हारे की भाई, जो गांड पे छोटा सा तिल है ये वो है बैंड का लड, ये जो तुम्हारी गांड राइट वाली गांड पे तिल है ना जो, ये वो है बैंड का लोड़ा। मैं तुझे बता रहा हूं ये बहन का लंड है, दीपक बहन का लंड है, दीपक मादर चोद है, दीपक बहन का लंड है, तुझे बता रहा हूँ तू मान जा ना। मैं ना मानता भाई, मैं ना मानता किसी की भी, ठीक है ना, मैं अपनी मानू, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, तुम दीपक अक्की दिल से कह रहा है, अक्की अक्की का लंड है दीपक कलाल, अक्की का लंड है दीपक कलाल, अक्की दिल से कह रहा है, अक्की दिल से कह रहा है दीपक कलाल, इन दोनों का लंड है, दीपक अपना भाई है। मेरा लंड भाई है भाई, हमारा भाई नहीं है, तुम्हारा भाई होगा भाई, हमारा भाई नहीं है, हमारे भाई मेरे लंड से हमारा कोई भाई भाई नहीं है, हम नहीं सुन सकते दीपक के बारे में, दीपक हमारा भाई है। देख बन्नी बुला लो ना दिल्ली, बुला लो ना दिल्ली इस बहन के लंड को, बुला लो ना दिल्ली, दीपक आएगा दिल्ली, और दीपक वीडियो भी बनाएगा कि बन्नी को पीटते हुए, बन्नी की गांड। अरे मेरा मूत, मेरा मूत, मेरा मूत, मैं कह रहा हूँ मेरा मूत बन्नी को पीटते हुए, मेरे को पीटते हुए, मेरा मूत, मेरा मूत, मेरा बाल भी ना पाड़ सके कोई, मैं कह रहा हूँ मेरा बाल भी ना पाड़ सके कोई। कह रहा हूँ भाई तू नीचे धरती में पड़ा रहेगा, तुझे कोई बचाएगा भी नहीं, दीपक कलाल तुझे माफ नहीं करेगा, बहुत मारेगा इसकी बहन की चूत दीपक कलाल की। और बताओ, बता बता बहन के लंड कब आएगा दिल्ली? भैया मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं कसम से कहता हूँ दीपक क्या झूठ बोलता है, मैं तेरे साथ हूँ, तू बहन को गांड बुला लो दिल्ली, बुला लो बहन के लंड को दिल्ली, बुला लो, मैं कह रहा हूँ इसके मुंह पे ना, इसके मुंह पे बहन के लंड के चटाचट चटाचट चाटे पड़ेंगे बहन के लंड के, बुलाओ इसे दिल्ली, इन्हें तुम्हारी भी बेइज्जती कर दी, बोल दिया ना इन्हें, वो वही खुश है, तुम दोनों की बेइज्जती कर दी इन्हें, दीपक खुलेआम दोनों खुले दिल्ली में, तुम दोनों की बेइज्जती कर दी इन्हें, बैठे बैठे कह रहा मैं यहीं घुस हूँ भाई। अंकित तूने बोला दिल्ली, अंकित एक सेकंड मैं तारी सुन रहा हूँ, अंकित एक सेकंड, अंकित लगा सकता है इसके, अंकित मैं कह रहा हूँ इसकी गैंड में ना बांस गाड़ दूंगा बहन, बांस आता है ना गांव में हमारे, जो बांस होता है इसकी गांड में बांस घुसवा देंगे बहन के लंड के, बांस उठा लेगा, उठा लूंगा
पत्नी उठती नहीं है, तू जब झाड़ू मारता है ना शोरूम में तो तेरी साथे चल जाती है। हाँ 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 हाँ, तू बात उठा लेगा, देख देख कैसी ऐसे 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 मैं सुबह शाम ऐसे हुक्का लेके तो बैठा रहता। पक्की भाई क्या ले भाई, क्या ले भाई, ये बहन का लंड, तू इन चार पांच भाइयों पे उछल रहा है ना, तेरी बहन की चोट। मैं मम्मी की कसम जिसने मुझे पैदा किया उसकी कसम खा के कह रहा हूँ। अंकित भैया आपने मुझे क्या कहा परसों कि मैं तुझे कुछ पैसे बेचता हूँ, सच बताऊ मम्मी की कसम खा के मैंने आपको मना किया, मना करा, मना करा था। तूने मेरे को तो कभी मना नहीं करा बहन के लंड, बैठ के लोड़े चार चार घंटे बैठ करके रोता था तू मेरे को फोन करके बहन के लंड, मेरे को तो दुनिया की बुराई गाता है, तेरी बहन चुदवाऊ अभी यही लाइफ पे, बता तेरी बहन चुदवाऊ लाइफ पे। ओए देख सुन बन्नी, गाड़ी हमारी लाइफ पे गाड़ी मत दे, हमारी लाइफ पे तेरी बहन चुदवाऊ अभी, हमारी लाइफ पे गाड़ी मत दे भाई, या तो मैं बन्नी गाड़ी तुम न्यूज़ पर पैसे तो दे गाड़ी पे भाई। इस बहन के लंड का जिसका तुम सपोर्ट कर रहे हो ना, यो बहन तो दुनी सबको गाली बके, ना ना दे लियो जहां दे, ना 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 ना, मैं तो लाइफ पे आता ही नहीं, मैं तो लाइफ पे आता ही नहीं मेरे भाई। चुप रहने का फायदा मत उठावे, बोल बोल बोल, तू बोल बोल, हां बोल, तेरी मेरी तो बिगड़ी नहीं, तू क्यों बिड़ रहा हो मेरे से, तेरी मेरी तो कभी भिड़ंती ना होगी किसी बात की, तू तो टाइगर के चक्कर में भिड़ रहा है मेरे से। दीपक की गाड़ी भाई, दीपक दीपक एक नंबर का गंड मरा है भाई। यार देख सुनो वह बात, तू क्या ले, अरे अपनी हमारी लाइफ, तू मेरी लाइफ से क्या ले, दीपक किस क्या ले, दीपक कुछ भी सही, मैं कुछ भी सही, तुझे अपने आप से मतलब है हमसे। वो देख लेंगे अभी कुछ दिनों बाद, तुम्हारे ऊपर भी एक केक काटेगा जैसे सबके साथ करता है, ऐसे तुम्हारे साथ भी करेगा। फिर तुम मेरे को बोलना कि बन्नी बन्नी बहन को झाड़ू मारे, बन्नी पोता मारे, फिर पूछूंगा, फिर उसके बाद भी पूछूंगा मैं यार। जब इसने तू नहीं छोड़ा तो हम भी, हम सिर्फ यहाँ इंसानियत की बात करते हैं, देख कोई गांड पे लात मार देते, ये नहीं कि उसके बारे में गंद। अरे इस गंडवे के चक्कर में तुम इंसानियत कर रहे हो अंकित, तू तो समझदार है, इस गंडवे के चक्कर में इंसानियत कर रहा है यार, कैसी बात कर रहा है यार अंकित, नहीं बोलेगा दीपक को। दीपक दीपक अंकित और अक्की का टट्टा है, राइट और लेफ्ट वाला, दीपक दीपक बसंत कलाल, दीपक बसंत कलाल अंकित का राइट वाला और अक्की का लेफ्ट वाला टट्टा है। गलत नहीं बोलेगा बन्नी, तू नहीं बोलेगा, नहीं कोई फायदा नहीं होगा मुझे दिल्ली में आने में, 5 मिनट नहीं लगेंगे, तुम्हारा भी कोई फायदा ना होगा दिल्ली में आने का, आज अभी आ जाओ, मैं कह रहा हूँ अभी आ जाओ दिल्ली, क्या दिक्कत हो गई, इस बहन के लड़के चक्कर में तुम मुझसे लड़ोगे क्या, इस बहन के लड़के चक्कर में तुम मुझसे लड़ोगे, तुम दोनों मुझे जवाब दे दो, इस बहन के लड़के चक्कर में मुझसे लड़ोगे, इसकी बहन की चूत, दीपक की बहन की चूत। 1 मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा बन्नी, तू दीपक दीपक मुझे ये बता, तू मैं यार चुप हो जा, सब खत्म कर दूंगा, तू लगा जा देर से, मतलब अंकित एक मिनट, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हाथ लगा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने अंकित तेरा क्या बोला, तेरा क्या बिगाड़ा है, तैने मेरे से लाइव स्टार्ट होने से पहले कॉल करी कि तू अगर तेर में इतना दम है तो तू उसको दीपक को पिटवाने से छोड़ लियो, मैंने कभी तेर से आए लोग, मैंने 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 लाइव से पहले, मैंने लाइव से पहले सुन, मैंने मैं बता रहा हूँ, मैंने अरे मैं बता रहा हूँ सुन, मैंने लाइव 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 से पहले अंकित को और अक्की को फोन करके बोला अगर तुम दोनों की गांड में दम हो दीपक को मैं मारूंगा इसकी बाढ़ की चूत, इसके हाथ नहीं, इसके अरे दीपक को इससे पूछो ना कब आ रहा है, पूछो ना कब आ रहा है, पूछो कब आ रहा है, पूछो कब आ रहा है, अरे पूछ तो लो कब आ रहा है ये, अरे से पूछ तो लो ये कब आ रहा है बड़वा, ये कब आ रहा है, जब हम बुलाएंगे, जब हम बुलाएंगे, कब बुला रहे हो मुझे बता दो, मैं आऊंगा ना, मुझे बताओ मैं आता हूँ, कब बुला रहे हो बताओ, अंकित एक मिनट सुन, अंकित एक मिनट सुन, बन्नी तू भी सुन, दीपक मेरी बात सुन लिया तुझे, दीपक दीपक तू आज हम लोग लाइव पे हैं, सच बताओ अक्की भैया मैंने आपको क्या बोला कि आप मुझे प्यार करते हो और मैं जिंदगी में अकेला हूँ, बैठ के लड़ यू एक्टिंग मत कर, यू एक्टिंग मत कर, तेरी भाड़ की चूत, यू एक्टिंग मत कर, यू दो आंसू गेर के ना, यू एक्टिंग मत कर, समझ गया, तना पागल बड़ा रखो समाज का, बैठ के लोड़ा रो रो करके,
तू ये बैठ के ना एक्टिंग मत करा कर, तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं बड़वे। दीपक देखना चाहता है दीपक, तू बन्नी पीटता हुआ पढ़वा लो, बन्नी की गांड जिसकी गांड में दबो बन्नी की गांड पढ़वा लो। तू कहता है देखना चाहता हूँ तो मैं इसकी अभी गांड पे फट्टे बजा के तुझे वीडियो भेजू, बता तू भेज दिया तूने अक्की, तूने भी भेज दिया फट्टे बनवा के, बड़े आए गए फट्टे डलवाने वाले। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा बाल भी ना पाड़ सके कोई, और अगर तुम दीपक के चक्कर में बोल रहे हो तो तुम वो भी आजमा लेना। मेरी बात सुन, अगर दीपक ने कह दी ना तो अभी बहुत गलत हो जाएगा, अभी बहुत गलत हो जाएगा। तेरी गांड में दम है सुन, अरे मैं कह रहा हूँ दीपक 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 है टट्टा, दीपक है टट्टा, और इसके चक्कर में तुम मुझे बोल रहे हो ना तो तुम्हारी बेवकूफी है। ये तो बैड कलर चार दीवारी में रहेगा, तुम्हें भी बाहर निकलना और मुझे भी बाहर निकलना है। ये बैड कलर पिटेगा, ये पिटेगा, ये पिटेगा, बैड कलर पक्का पिटेगा। कोई हाथ लगा दिया ना दीपक के, हम बैठे कोई हाथ लगा दिया, हाथ हाथ गांड लंड बैड कलर सब लगवाऊंगा इसे। तू लगवा तो देख लेना बन्नी, बुलवाओ ना फिर बंदे तक नहीं पहुंचा था, तू कहां से पहुंच जाएगा इसके पास, तू अपनी औकात। मेरे तो घर के पास है एयरपोर्ट, मैं तो बस की औकात नहीं है फ्लाइट से आने की, ये ट्रेन से आएगा, मुझे बता देना रेलवे स्टेशन भी पास में। इसकी माँ का भोसड़ा, हम बुलाएंगे, तारीख बता देना, तारीख बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो खुली बताएंगे तो इनवाइट करेंगे, तू हाथ लगा दिए जा। पता है कैसे बचाएंगे इसे सब, पहले दीपक के घुसते जब चार पांच चाटे टिक जाएंगे ना, उसके बाद सारे भाई आके बचाएंगे। अरे रहन तो रहन तो रहन तो रहन, ये बैंड करंट ये ऐसा है। मैं कह रहा हूँ तुम लोग गलत इंसान का साथ दे रहे हो, मैं तुम दोनों को कह रहा हूँ, अक्की भी गलत इंसान का साथ दे रहा है और अंकित भी गलत इंसान का साथ दे रहा है। दीपक जब दिल्ली में आएगा ना, तू कमरे में बंद हो जाएगा, अपने बाथरूम में कहेगा भगवान मुझे बचा लो, मैं दीपक के सामने नहीं जाऊंगा। अरे दीपक नींद में भी करेगा तू, नींद में करेगा तू। दीपक वसंत कलाल की भेड़ की चूत, और बताओ अरे बुला तो लो इस भेड़ के लंड को, तुम बुला तो लो, हाथ लगा दियो भेड़ के लंड को, कैसे लगा दू, बुला तो लो। और जो आगे फिर बुलाओ, जो आगे फिर अरे बुलाओ तो सही, मैं कहता रहो बुलाओ, मैं कह रहा हूँ तुम दोनों के मुंह पे, इसकी गांड में गूदा नहीं है, इसकी गांड में गूदा नहीं है। मेरी बात सुन, अगर दीपक दिल्ली आगा तो दिल्ली आना छोड़ देगा, देख लगा दिया लगवा चल। विक्रांत भाई अभी कर रहा हूँ कॉल, मैं कह रहा हूँ इसकी गांड में गूदा नहीं है। मैं अकेला नहीं, से पता ना कितने बंदे ढूंढ रहे हैं दिल्ली में मारने के लिए, किस किस को रोकोगे भाई तुम दोनों। मैं तेरी बात कर रहा हूँ सुन, तैने हमारे दोनों तेरी बात थोड़ी है, तू तू हाथ नहीं लगा, मैं तो मारूंगा बैंड के लंड को, मैं मारूंगा बैंड के लंड को, और बताओ, और तुम दोनों के सामने मारूंगा इसकी बैंड की टूट, तुम दोनों के सामने मारूंगा इस बैंड के लंड को। अब तुम छोटी सी चीज देख लो, ये बैंड का लंड आराम से गोभी में रोटी लगा करके खा रहा है और हम दोनों तीनों लड़ रहे हैं आपस में। ये है, ये बैंड का लंड, ये है ये मादर चोद। देख ये तो हमारा भाई, ये तो करेगा बात खत्म, ये तुम्हारा भाई वाई नहीं है, ये विक्रांत को ऐड कर लो, विक्रांत का मैसेज आ रहा है, ये बैंड का लोड़ा मादर चोद है एक नंबर का। अंकित भाई तू भी जानता है ये बात, तू अब इसे भाई मान, इसे बहन मान, इसे कुछ भी मान, पर इसकी बहन की चूत यो पिटेगा दिल्ली आके भाई, यो आके कोई हाथ न लगा, मैं तो भाई हाथ नो, इसकी गैंड पर लात भी लगेगी। मेरी बात अच्छा, दीपक है, दीपक है, एक सेकंड अंकित, दीपक है, दीपक है, तू दिल्ली आके पिटेगा ये बात, तू मोने की नहीं मोने, नौ मोने दीपक, नौ मोने दीपक, मोने क्योंकि मैं वैसे खाली तुम लोगों को बता रहे ना कि मैं पैसे का भूखा हूँ, मेरे क्या बाकी, अक्की भैया को बोलो कि मैं जिंदगी में अकेला हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे अक्की भैया का फोन आया था। मैं बहन के लोड़े सुन, तेरे को जितने अच्छे से जानता हूँ ना मैं, तू मेरे साथ ये दिमाग वाला खेल मत खेल, तेरी बहन की चूत मैं बता रहा हूँ तुझे, पैसे लिए हर बार एक एक लाइन के, मैंने तुझसे पैसे लिए, बड़वे सोने, मैं आज कह रहा हूँ अंकित तो अक्की भी ये लाइफ पे होंगे, मैंने आज तक पैसों का जिक्र नहीं करा, तुम दोनों खा लो अपने भगवान की कसम, मैंने जिक्र करा आज तक पैसों का, सच बोलना ईमानदारी से दीपक से कि मैंने पैसे दिए दीपक को, आज तक बात तो बता, तू 2000 की तो ड्यूटी करता है उसमें, तो दीपक को पैसे कहां से देगा यार, तू भी तो थार थार में जाके डेली सफाई करता है। मैंने बोली
तू थार रेंट पे लेकर के आया, मैंने बोली खुद करूंगा। तू थार रेंट पे लेकर के आया, मैंने बोली तू थार रेंट पे लेकर आया, मैंने बोली। पर तू एक बात तो बता, तू 2000 की ड्यूटी करता है, तू दीपक को कहां से पैसे देगा? भाई मैं 2000 की करता हूँ, मैं 200 की करता हूँ, वो मेरी सिरदर्दी है। तुम अपना पैसा अपने भीतर रखो, मेरे को जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की। और मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ मेरे को बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता तुम दोनों को कुछ भी, और सुनो, ये अंकित तो समझदार है, पता ना आज अंकित ऐसी कैसी बात कर रहा है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुनते, मैं बात ना करता। मैंने किसे कॉल करके बोला, मैंने कहा भाई विक्रांत का बन्नी का मैसेज आया कि अंकित अगर तेरी गांड में दम है तो दीपक को लाइव लाइव ले लो, और अगर उसे पिटवाने से बच जाओ तो मैं, तू क्या बोल रहा कि ग्रुप कॉल कर ले? बोला अभी भी कह रहा हूँ, ग्रुप कॉल क्यों? अभी भी कह रहा हूँ, सामने बता, अभी भी कह रहा हूँ, इसकी भाड़ की तूत, यो पिटेगा दिल्ली आके बहन का लोड़ा दीपक वसंत कलाल, दीपक वसंत कलाल पिटेगा, दीपक वसंत कलाल पिटेगा, 505% पिटेगा, यू बहन का लड़ 505%। अरे कुछ नहीं कर पाओगे तुम दोनों, लहर ही आओ, बस लहर मारते हो तुम दोनों, लहर लहर ऐसे ऐसे लहर लहर मारते हो लहर। जब ये पिटेगा ना, जब ये पिटेगा ना तो कोई नहीं आएगा। हम आएंगे, हम आएंगे, कोई नहीं आएगा। अरे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आओगे ना। हॉस्पिटल लेने के लिए कौन आएगा? हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। तुम दोनों आओगे, तुम दोनों आओगे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और ये टीका, पहले टीका लगाओगे और दो नाक में रुई डालोगे इसे फूंकते वक्त, इसे तो ले जाएंगे। अरे अरे मैं कह रहा हूँ ना, ले जाएंगे घेर के, मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ, दो भाई तेरे रोएंगे। अरे बन्नी भाई क्या हो गया, बन्नी हॉस्पिटल में जाता ना, डायरेक्ट आईसीयू में एडमिट होगा बन्नी उस टाइम पे। देख आईसीयू में एडमिट हो जाएगा भाई, विक्रांत का फोन आ रहा है बार बार, एक बार विक्रांत को ऐड कर लेना जरा, एक बार विक्रांत को ऐड कर लो भाई। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम दोनों के सामने मारूंगा इस गंजे को, बैंड के लंड को, तुम दोनों के सामने मारूंगा इसको, बैंड के लंड को, दोनों के सामने मारूंगा, हमारे सामने। कॉल कर इसको, नीचे बिठाओ बन्नी को, नीचे बिठाओ, मेरे जो मालिक है वो बात करेंगे, बन्नी को नीचे बिठाओ। तेरी बहन का भोसड़ा, बहन के लोड़े तू आज दिल्ली, मेरे को मारूंगा मैं बैंड के लंड, सुने? और ना की बचाएगा, ना अंकित बचाएगा, सुन मेरी बात, मैं मारूंगा तुझे, तू आ दिल्ली आज ही हो। अरे इसको नीचे बिठा, मेरे मालिक बात करेंगे, तेरे मालिक जिनकी तू सकिंग करता है, जिनकी तू सकिंग करता है, जिनको 200 रुपए किराया देता है, जिनको 200 रुपए किराया देता है, जिनको 200 रुपए किराया देता है, अब तेरी गांड पड़ गई तेरी। कितने साल से हूँ, यहाँ पे बैठो, बताओ मैं कितने साल से हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है? हेलो नमस्ते अंकल। ओ हाँ जी नमस्ते, 9 साल से दीपक भाई आ रहा है यहाँ। और मेरा मेरा बर्ताव कैसा है? बहुत अच्छा इसका बर्ताव है, बहुत अच्छा। राहुल भाई को ऐड करिए, राहुल भाई को राहुल शर्मा को ऐड करो। अच्छा और बताओ मेरा पैसे के मामले में, मेरा पैसे के मामले में बर्ताव कैसा है? बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, बहुत। नहीं नहीं दीपक भाई बढ़िया आदमी है हमारे। अच्छा पिछली बार एक बंदा कौन से कंट्री से मुझे मिलने के लिए? यूरोप से आया। राम राम जी, राम राम राम। राहुल भैया कैसे हो? अच्छी भैया क्या करवा रहे हो? राहुल भैया मेरे लिंक कराया, मेरे पास बन्नी है, अपनी गांड का तो पता नहीं है, ये उल्टा सीधा बोल रहा है, दीपक को कैसे सुन लेंगे भाई, मुझ पे तो नहीं सुनूंगा। अरे भाई सुनो, जाने दो, ये भैया सुनो, 9 साल से जानते हैं, 9 साल से। दीपक सुनो, हाँ हाँ बताओ बताओ। अगर मैं हट जाऊँ ना तो मुझे वापस ले लियो। हाँ मैं भी हट जाता हूँ ऐसे। नहीं नहीं रुको भाई रुको, दीपक क्या नाम है इनका? इनका नाम रसूल भाई है। हाँ रसूल भाई, रसूल भाई कैसा बंदा है? दीपक कैसा बंदा है, सही है गलत है? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अच्छा लगता है आपको? ठीक, आपसे सही व्यवहार करते हैं या नहीं करता?
हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसीलिए आ रहा है इधर, मैं इसके लिए जगह पहले रखता हूँ। आपके पैसे टाइम पे दे देता है ये? हाँ पहले ही देता है, जब भी मांगेगा उस वक्त देता है पहले ही। हाँ लेकिन दीपक वैसे असली में बढ़िया बंदा है ये, चाहे कोई कुछ भी बात करे। जो आज की बात लगी ना मेरे को तो अक्की भाई कुछ अलग अलग सी अजीब सी लगी बात, भगवान का सब, क्योंकि ना तो तुम लड़ते हो मुझे पता है, ना तुम फालतू किसी से मुंह लगाते हो, तुम इसे नीचे भी नहीं फेंका। मैं पूछ मेरे को नहीं समझ आई बात भाई, भगवान का सब बोला तुम्हारे हाथ में तो बटन दकड़ो नीचे। हाँ भाई दीपक अब फिल्म बता पहले, अब मैं जब भी आया हूँ पब्लिक पूछ रही है बार बार, अब फिल्म क्या है ये, फिल्म बता। वैसे तो अगर अच्छा दीपक हाँ अभी हाँ। हम लोग है ना विक्रांत को और बनी को नहीं लेंगे लाइव पे। अच्छा क्योंकि जो कश्मीर के लोग हैं वो मुझे ऐसे कह रहे हैं कि वो गालियां देते हैं, आप उनको क्यों लाइव पे लेते हो। कश्मीर के लोग ऐसे कह रहे हैं। एक बार को फिर भी मैं विक्रांत के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बन्नी के लिए ये बोलूंगा कि उससे दोगला आदमी मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं है। मैं उसको जानता हूँ रियली बात। और देखो मैं स्पेशल यहाँ पे आया हूँ, वो सिर्फ फेम का भूखा है, वो ऐसी ऐसी बातें बोली है उसने बिना हटके भी कि वो बहुत अजीब बातें करता है। मैं यहाँ पे उससे जब से बात करने लगे हूँ, क्योंकि जब से मेरी एक बार शेखर भाई से बात हुई थी, चलो हमारी दो कॉन्ट्रोवर्सी हुई शेखर भाई से, चलो कुछ भी हुआ, ये साला वहां आके मुझे ऊपर आके गालियां बकने लग गया। अब तू गालियां बक या कुछ कर, तेरी तो मैंने माँ चोदी थी बहन के लोड़े चुदाई खाने बन्नी, सुन अब तू दिन मुझे गालियां बक रहा था, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। तेरे को भोसड़ी के फेम के चक्कर में इतना पागल मत हो कि किसी को भी उल्टा बोलने लग जा। और तू जो कह रहा है ना कि मैंने कभी पैसे नहीं दिए, दीपक को पैसे देके ही तू आगे बढ़ा था, दीपक ने तेरे को चल थोड़ा आगे बढ़ाया ये करा, और आज तू इसको ही गालियां बक के जा रहा है, तू इसको थप्पड़ मार देगा ये मार देगा। ये बात तो मेरे को देखो अलग से अलग ही लगी यार, स्क्रिप्ट भी क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ आई दीपक, ये तो रियल बात है। लेकिन ये लड़का वो नहीं है, विक्रांत को तो ले ले। हाँ भाई बता, आप बता तू क्या कह रहा था उस दिन में मेरे को शेखर के लिए क्या कह रहा था। क्या नहीं है लड़का भाई, समझा नहीं मैं कह रहे थे। हाँ क्या कह रहा था तू उस दिन में शेखर के लिए मेरे को गालियां बोल रहा था, तू बात हुई तुम उस दिन भी गालियां बोल रहा था। अरे अभी आप कुछ मैं तो ये कह रहा था, तू मेरे को तो ये सारा स्क्रिप्ट लग रहा है, वरना ऐसी बात है तो अक्की भाई के हाथ में बटन है नीचे भेज दो ना। वेलकम टू इंस्टाग्राम, किसको तेरे को? मैं कह रहा हूँ वेलकम टू इंस्टाग्राम, तुमने अभी एक चीज बोली ना स्क्रिप्टेड लग रही है, तो मैं कह रहा हूँ वेलकम टू इंस्टाग्राम मेरे भाई। अच्छा 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 अच्छा, चलो तू मतलब तू वेलकम हो गया। मैं कह रहा हूँ वेलकम टू इंस्टाग्राम। अच्छा वेलकम हो जाऊं। और राहुल भाई आज एक चीज कह रहा हूँ, अगर समझ सको तो समझना, तुम भी ब्राह्मण मैं भी ब्राह्मण, समझ गए ना, तो मुझे नीचा मत दिखाओ क्योंकि मैं तुमसे छोटा हूँ, तो तुम्हारा छोटा भाई हुआ मैं, तो तुझे गलत कह रहा हूँ तो तुम बोलो। मैं देख मेरी बात सुन, मैं ना किसी के कहने पे बात मानता ना किसी से वो वाली गलत बात, लेकिन तूने मेरे को शेखर भाई के चक्कर में तू वहाँ पे गलत बोला। मैं तो ऐसे विक्रांत भी मैं किसी शेखर वेकर भाई के चक्कर में नहीं बोलता, सुनो मेरी बात, मेरे लिए तो तुम गाली बकने का भाई छोड़ो। मैं कह रहा हूँ तुम भाई शर्मा मैं तुम्हारा छोटा, तो मैं तुम्हारी कभी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से कभी अपनी माँ बहन भी नहीं सुनूंगा। इतना मानते हो नहीं मानते हो? तूने शुरुआत करी थी, वरना मैं तेरे को माँ बहन की गाली नहीं बकता। मैंने आज तक तुम्हें गाली ही नहीं दी यार, और बताओ, मैंने आज तक तुम्हें गाली तक नहीं दी, और बताओ। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ भाई तू आगे बढ़ भी, अगर ऐसी बात है तो तू अपनी बात मान रहा है, 4,000 लोगों में बोल रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं तो आज भी कह रहा हूँ मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, और बोलो, लेकिन ये इज्जत नहीं, तुम बहुत फेमस हो ये वो, मैं इज्जत करता हूँ कि तुम ब्राह्मण हो पंडित हो और मेरे भाई हो। भाई सीधी सी बात है, चलो मेरी बात सुन, अगर ऐसी बात है तो भाई सुनो, इसके लिए तुमको कभी कितना उठाई गिरा कहते हो ना मेरे को, सुनो भाई एक सेकंड, आप मुझे उठाई गिरा कहते हो ना, सुना पहले ये बता तूने कहाँ सुना ये बात? मैंने खुद देखा है यार, खुद देखा, पर मेरे को बुरी नहीं लगती, क्योंकि तुम मेरे लिए कहते हो, जब माँ बहन वाली बात आ जाती ना तो मेरे को बहुत बुरी लगती है, कि मैं कह यार मेरा बड़ा भाई होकर के मेरी माँ बहन को गाली दे रहा है। इंस्टाग्राम पे सबसे पहले भी गाली तूने ही बकी होगी, हमने ही रोस्ट करा होगा एक दूसरे को, लेकिन अब भी मैं कह रहा हूँ विक्रांत भाई को अभी ऐड कर लेंगे, विक्रांत भाई रुक जाओ एक मिनट, कर लेना उनको भी यार, तो मैं कभी भी उस चक्कर में विक्रांत भाई की दीपक से कोई भी लड़ाई हो कुछ भी लड़ाई मेरे को अगर कोई ये कह रहा है ना कि मेरी अगर कोई गांड फाड़ देगा, मेरी माँ चोद देगा, मेरी बहन चोद देगा, तो भाई मैं बता रहा हूँ, मैं रहता हूँ जनकपुरी,
जनकपुरी में अपना मकान है, अपना शोरूम है, अपना घर है। संत नगर बुराड़ी में मेरा अपना मकान है, रेंट पे दे रखा हूँ, 5 मंजिल का, 2 गज का, बुराड़ी संत नगर अग्रवाल के पास। सुनो मेरी बात। और उसके बाद मेरी क्या प्रॉपर्टी है, क्या बैलेंस है, मैं यहाँ किसी को दिखाने नहीं आता। मैं आज आपको बस एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, वो भी भाई के नाते आपको बता रहा हूँ। एड्रेस और फोन नंबर भी लिख दे, जब भावुक हो गए इतनी बातें कर रहा तो बताएंगे तेरे को फिर एक बार तेरी गांड पाड़ेंगे ना पब्लिक। कौन पाड़ेगा मेरी गांड? राहुल भाई मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, मेरे साथ एक बार चोट हो गई, मेरे बात सुनना, मेरे साथ एक बार चोट हो गई, मेरे यहाँ आकर के कोई मेरा बाल नहीं पाड़ सकता, इतना मानते हो? ये गलत फहमी निकाल दे, निकाल दे, मैं कह रहा हूँ निकाल दे, अच्छी निकाल देना फिर आकर के, निकाल दे आकर के। कितनी देर में आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है, अरे कितनी देर में आ रहा है, मेरी गलत फहमी निकाल दे। अरे मैं कह रहा हूँ सुपनों में, मैं कह रहा हूँ सुपना छोड़ दे तू, मैं कह रहा हूँ हार में 200 रुपए का तेल डलवा और फटाफट इधर आ। अब तू बता किधर आ रहा है, मेरी टंकी नहीं, मेरी टंकी नहीं, तेरा आंड मुंड रहते हैं, तेरा आंड ये देख बंद करा देना तू। ये देख कितना खाली पड़ा है, ये देख तो गाड़ी पे कपड़ा मार दे, को 4 गाड़ियां खड़ी है, फटाफट गाड़ी पे कपड़ा मार, फटाफट की कपड़ा मार ले गाड़ी पे, अभी फटाफट कपड़ा मार ले। मैं 2000 में से 200 तुझे दे दूंगा, 2000 मेरी कमाई है ना, उसमें से 200 तुझे दे दूंगा, कपड़ा मार ले फटाफट। सुनो तो सही, अच्छी भाई बनी, रुक तो सही, मेरी बात सुनो, तुम अपना कंटिन्यू रखो, एक बार विक्रांत भाई कह रहे हैं बार बार एंड कर लो भाई। ये डेढ़ साल आदमी समझ गया, ये डेढ़ साल आदमी समझ गया, ये बहुत तेज फिल्म हो चुका राहुल भाई। भाई कपड़ा मार लो, 200 रुपए पेटीएम कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना, कपड़ा मार लो फटाफट, थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से मार लेना। मुझे बता तू पेटीएम चलाता है, पेटीएम चलाता है तू? पेटीएम पेटीएम चलाता है तू? अरे तू जेब में चुनर लेके डोलने वाले, तू पेटीएम चलाता है, हैं? मैं कह रहा हूँ तेरी गुल्ली रहता है। मुझे कश्मीर के जो अपने भाई है उन्होंने मना किया है, उन्होंने कहा कि वो विक्रांत आपके माँ के ऊपर गाली देता है, तो आप ऐसे लोगों के साथ लाइव जाओगे हमें पसंद नहीं है। मुझे दीपक सुन, देख उसने एक बार गाली दे दी, माँ वाला टॉपिक खत्म कर दिया, आज उसको सुबह भी समझा दिया ना, सुन मुझे लोगों ने मुझे कहा कि आप उसके लाइव पे मत जाओ, मुझे लोगों के फोन आ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं तो हम आपकी इज्जत नहीं करेंगे। दीपक उसने माँ की गाली दी, अकी ने भी समझा दिया, विनीत पुनीत बलराज भाई सब ने, तूने भी समझा दिया, सब ने उसको समझा दिया, अब वो चीज बार 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 रिपीट मत कर। अंकित ने भी उसको समझा दिया, अकी ने भी समझा दिया, अब वो तुझे माँ बहन की गाली नहीं देगा, वो टॉपिक खत्म कर दे भाई, हमें तू बार बार एंटी को बीच में लेके आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप कश्मीर में रहते हो, आप ऐसे जो लोग हैं आपको गंदी गाली देते हैं तो आपकी इमेज अच्छी नहीं रहेगी। भाई तो तुम दोनों ने नहीं समझाया वो माँ की गाली ना बके, तो तेरी समझ में भी तो नहीं आती, तू भी तो दीपक को जब से माँ की और बहन की कही जा रहा है, हम यही तो बोल रहे दीपक को गाली मत दे। मैं तो माँ की गाली कभी देता ही नहीं, मैं माँ की गाली कभी देता ही नहीं भाई, हमारे सामने भाई दीपक भाई को माँ बहन की गाली कोई नहीं देगा भाई, चाहे वो कोई। दीपक एक नंबर की गंडमरी पिस्तौल है, तो तेरे को गाली कौन दे रहा है बता, तेरे को गाली नहीं देंगे तेरे अच्छे। अच्छा तू बता दे तेरे को गाली क्यों ना दे, एक पॉइंट बता दे तेरे को गाली नहीं देंगे हम, एक पॉइंट गाली तेरी गांड मार के पैसे नहीं दिए क्या, क्यों देगा तू बता ना, गाली देते नहीं दिए बता ना, क्यों देगा देगा। अरे ये भोजड़ी का सुबह मेरे को मेरे घर वालों के लिए उल्टा सीधा कह रहा हूं, चला जाऊंगा क्योंकि मुझे कश्मीर के भाइयों के फोन आए हैं कि हम नहीं सुन सकते आपको कोई गाली दे, विक्रांत आएगा भाई मैं लाइव छोड़ के चला जाऊंगा क्योंकि मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा अब मैं तेरा स्टैंडर्ड बता दो, तेरा स्टैंडर्ड क्या है, तेरा स्टैंडर्ड है खाली पत्ते खाना, 3 दिन की बासी रोटी खाना, लेकिन 4-5 भाई ऐसे मिल गए तुझे जिनकी वजह से तू बटर नान खाना तूने चालू कर दिया, तेरा स्टैंडर्ड वही है जो तू आंटी के पर्स में से 200 रुपए चुराता था ना और अपने दिन भर का खर्चा चलाता था, तेरा वही स्टैंडर्ड है, तेरा वही स्टैंडर्ड है, मान ले ये बात मेरी। तू भी ढूंढ ले 2-4 बंदे, तू भी बटर रोटी खा लेना, खा ले तू भी बटर रोटी,
दीपक तो 3-4 दिन की रोटी भी खा लेता है, तुझे तो रोटी भी महीने महीने में मोहतर होती है। अरे यार बस पूछे मत ना, महीने में नहीं, दो महीने में मेरे मुंह से सारी कहानी मत सुनवा। देख सुन, मैं तो तेर से कह रहा हूँ, तूने हमारे पास पर्सनल मैसेज करा कि अंकित अगर तेरी गांड में और अक्की तेरी गांड में दम है तो तुम दीपक कलाल को पिटने से रोक लियो। भाई हम बता रहे अक्की, अंकित भाई तुम दोनों की गांड में दम हो तो दीपक कलाल को पिटने से बचा लेना। मैं कह रहा हूँ तेरी गांड में दम हो ना, तू इसे हाथ लगा के दिखा देना, जा कह दी जा। अब ज्यादा तेरी तरह बुलाओ ना, अपने अपने फूफा को बुलाओ तो नहीं, दिल्ली इसको दिल्ली तो बुलाओ। देखे यू आएगा और तू डुबको डोलेगा, तू रात को भी डरे करेगा, मम्मी मम्मी दीपक मारेगा, मम्मी प्लीज बचा लो मम्मी मम्मी। भाई मैं कह रहा हूँ बातें चोदने से बच्चे पैदा नहीं होते, बातें उस दिन चोदेंगे जिस दिन ये रियलिटी होगी, जिस दिन ये रियल मां जाएगा ना। अगर मैं बुरा आदमी होता तो मेरे जो मालिक है क्या वो मेरी इतनी अच्छाई करते, आप मुझे बताओ। बिल्कुल, अब सुनना मैं तुझे बता रहा हूँ, वो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि पूछो ही मत। पता है उसका रीजन क्या है तेरे को दीपक? उसका रीजन बताऊं बिना गाली दिए? तू करता है गांड गुलामी, तुझे वहां जाना है तू गांड गुलामी करेगा, तुझे दिल्ली आना है तू यहाँ अपने फूफा की गांड गुलामी कर रहा है। जिस दिन तुझे कोई और मिल गया तीसरा पर्सन, तेरे को इससे बढ़िया बोट मिल गई, तेरे को इससे बढ़िया मालिक मिल गया, तू आज जा करके छिद जाएगा। बोल दे ये बात, तू माने नहीं माने। अच्छा सुनो, मुझे ना कुछ लड़कों ने कहा कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमारे साथ लाइव जाओ। मैंने उनको कहा कि तुम लोग बदसूरत हो, मैं तुम्हारे साथ लाइव नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम लोग खूबसूरत नहीं हो। तू कहा की उड़ की परिये साले गंडे उबले हुए आंड बहन, जो तू कहा का सुंदर आदमी है। देख विक्रांत सुन, देख गाली मत दे हमारी लाइफ पे बिना गाली के बात कर। देख भाई तू कहा का सुंदर आदमी है, तू हर किसी को बदसूरत बता देगा। जबकि वो मुझे ज्यादा पैसे दे रहे थे लेकिन मैं इसीलिए नहीं गया क्योंकि वो लोग बदसूरत है। दीपक भाई है तू क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है ना, मेरे को सब समझ आती है बेटा। तू क्या खेल रहा है ना, तूने ही खेलना सिखाया है मुझे, ये भी बोल रहा तेरे मुंह पे। दीपक वसंत कलाल मुझे खेलना भी तूने सिखाया है, और तू जिस डगर में खेल रहा है ना, जिस डगर में तू खेल रहा है वो डगर जल्दी पलटने वाली है। तू खेल लिया, तू खेल लिया, तू गलत फहमी में हो। तू खेल लिया है, खेल लिया, तू खेल लिया खिलौना। भाई मुझे जरूरत नहीं है खेलने की, मुझे जरूरत नहीं है खेलने की, मुझे जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझे खेलने की जरूरत नहीं है, मेरा हिसाब किताब क्या है और मेरी बैकअप क्या है ना वो मेरे को पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए मेरे भाई? अरे हमें पता भाई, हमें पता क्या बताओ भाई, बताओ मुझे भी तो बताओ क्या बताओ। तो मैं बात समझा रहा हूँ, कभी दीपक के बारे में गलत मत बोलिए कि क्या दिया अक्की, तुम दीपक को पिटने से रोक लेना। क्यों देख रोक लेना जो तेरा मैटर, अरे रोक लेना मैं तो कह रहा हूँ जो अंकित अंकित भाई और अनिकेत, अरे कह रहा हूँ अंकित भाई और अक्की भाई, दीपक कलाल वसंत कलाल को पिटने से आप रोक लेना मेरे भाई। सुन देख अभी पता पड़ा, और मैं कह रहा हूँ किसको रोकोगे, चलो इसका जवाब दे दो तुम, किसको रोकोगे? अच्छा मतलब दूसरा पीटेगा उसको बता, उसको पीटने दोगे, मेरे को रोक लोगे ये कह रहे हो? ये कह रहे हो दूसरा कोई मारेगा उसको मारने दोगे, मेरे को रोक लोगे? अच्छा सुनो अक्की भाई, अक्की भाई विक्रांत को कॉल पे नहीं लेना है क्योंकि मुझे लोगों के कॉल्स आए हैं, उन्होंने कहा कि वो आपके इमेज को खराब करता है, आप उसको कॉल पे मत लेना, मुझे लोगों के कॉल्स आए बड़े बड़े लोगों के। ओके ओके। अरे दीपक सुन देख, ये दोनों भी भाई हैं, ये दोनों भी समझदार हैं, इन दोनों को भी पता है, ऐसा नहीं है उनने तेरे लिए कुछ नहीं करा जो तू ये बात बोल रहा है। अरे सुन तू अगर समझदारी का काम करता तो बन्नी तू हमारे पास ये मैसेज मतलब ना करता, समझ क्या ये मैसेज क्या करता? तू अपने से बड़े को गाली दे रहा है बहन की, तेरे मुंह पे ये थप्पड़ मार दूंगा वो मार दूंगा, मेरे को तो ना दी ना मैंने तुझे, तेरी माँ बहन करी है किसी ने? तेरी माँ बहन नहीं करी ना किसी ने? किसकी? तेरी। कैसे कब बता? जब तेरी माँ बहन करेगा ना कोई तो तू भी मेरे जैसी बात करेगा भाई, उस टाइम प्यार से बात नहीं करेगा। बता दीपक ने तेरे को गाली दी है कभी? हाँ मेरे को, मेरी लुगाई को, मेरी माँ को। कब वही गाली बकी इनने बहन के लंडने?
सुबह तो तुम आपस में लड़ रहे, इनने गाली बकी है उससे पहले लाइव में, जब मैं हट गया हूँ लाइव ना चला रहे इतने दिन से, इनने मुझे गाली बकी है, उसके लिए कौन बोलेगा? तुम बोलोगे? नीचे ये लोग बैठे हैं, अपन लोग अपना बता देंगे, बताओगे? अंकित यूं बता, मेरी वाइफ तेरी भाभी लगी नहीं लगी? हाँ या ना? हाँ लगी, पक्का लगी। देख जो अगर उसे कोई गाली पक देगा तो सुन लेगा? जो चीज है वो है, लेकिन देख हाँ या ना? अंकित नहीं, बात मत घुमा, तू सुन लेगा? देख जो चीज है आपस में, या चीज वीडियो बस फिर मैंने भी सुबह दीपक सच सच बता, मैंने सुबह ये बात बोली कि विक्रांत तू इसकी माँ को गाली नहीं बकेगा भाई, नहीं बली तुम भी बहुत गाली देते हो। मुझे वो लोगों का कॉल आया है कि तुम बली को ब्लॉक करो। अरे सुन, तू मुझे ब्लॉक कर दे, तू मुझे कुछ भी कर दे, ठीक है ना? तेरे को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये बात तू जानता है भाई। मैंने इतने दिन से तुझे फोन करा, बनी आपको गंदी गंदी गालियां देता है माँ की। अरे सुन, तो मेरी लुगाई के लिए गलत बोलेगा तो तू गाली सुनेगा? ये शरीफ बन के मत दिखाया कर, जैसा है ना रियल राकर। मैं तेरे को मैंने 15-20 दिन पहले भी बोला था कि अपनी पीठ को सीधी रखनी सीख ले, तेरे सपोर्ट में सारे जुड़ जाएंगे, समझ गया? तू तो ये एकदम से पीठ टेढ़ी कर लेता है ना, तू जो पीठ टेढ़ी कर लेता है ना, वो चीज तेरी सबसे बड़ी कमी है। ये तो सब जुड़े पड़े हैं, ये तो दीपक भाई से तो प्यार करते हैं, जब भी तो 4,000 लोग देख रहे हैं। ए भाई जो प्यार नहीं, और भाई मुझे कहा है कि उसके साथ प्रधान के साथ मत जाना, क्योंकि उसके आपकी इमेज, आप कश्मीर में रहते हो, मुझे कश्मीर के भी लोगों के फोन आए, उन्होंने कहा कि तो मुझे एक बात बता दीपक, एक छोटी सी बात बता, तेरा खुद का स्टैंड नहीं है क्या? तेरे को लोग कहेंगे इसको ब्लॉक कर दे, तू ब्लॉक कर देता है, तेरे को लोग कहेंगे? अबे भाई तेरा खुद का भी तो स्टैंड होगा कुछ। नहीं नहीं, वो गंदी गंदी गाली देता है मेरे मम्मी के ऊपर, गंदी गंदी गालियां देता है मुझे उसको। अब एक बात बता, तू भी तो उसको गंदी गंदी गालियां देता है? तू गालियां नहीं देता विक्रांत को? बता, ये दोनों भी ऊपर बैठे हुए हैं। मेरे जो बोट के मालिक है उनके बारे में भी उसने गलत बोला भाई, मैं नहीं सुन सकता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनके बारे में भी उसने एक दो शब्द गलत बोले भाई, मैं नहीं। देख भाई सब बोल रहे हैं दीपक सही है और हम तुम्हारे साथ है, दोनों भाइयों के दीपक तू टेंशन मत ले, दीपक मैं कह रहा हूँ दीपक बिल्कुल सही है, इस दिन अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत कर लेगा ना दीपक और सही हो जाएगा। दीपक सही है, लेकिन दीपक ना, दीपक डगरिया में चलता है, डगरिया समझते हो ना, नाव जो इधर भी हो जाती है और इधर भी हो जाती है, ये उस तरफ चलता है। दीपक पैसा फूकता है तो नाव में चलता है, तू तो तेरे पास तो एटलेस भी नहीं है, तेरे पास क्या है? भाई अंदर की बात सुन लो, थार आई थी टेस्ट ड्राइव पे, अब वापस चली गई है शोरूम पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी गाड़ी खड़ी है देख ले मेरे घर में, ये किरायेदारों की गाड़ियां दिखा रहा कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गांडू अच्छा सुनो, अंकित भी ऐसी आ रही है लेकिन अंकित हंस नहीं रहा भाई। मैं दिखाता नहीं हूँ मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, ठीक है ना? जिन देखना हो मोस्ट वेलकम है, जिस दिन देखना हो मोस्ट वेलकम है, मैं कह रहा हूँ जिस दिन देखना हो मोस्ट वेलकम है। अंकित भैया का मैसेज है, आई डोंट वांट मनी। ये देखो, ये अंकित भैया ने मुझे कहा है कि दीपक तुझे पैसे चाहिए क्या? ये देखो मैंने कहा आई डोंट वांट मनी। हाँ दीपक ने अंकित भैया है, ये देखो, और ये सैटरडे का मैसेज है, डेट भी देख लेना, ये सैटरडे का मैसेज है, बोला था बनी। मैंने भी दीपक से बोला है किसी चीज को बता दे, अंकित भैया आपने मुझे क्या बोला कि दीपक मैं तुझे मोबाइल लेके दूं क्या? मैंने आपको भी मना किया, मना करा था, मना कर दिया। अच्छा अंकित भैया, मैंने आप लोगों को मना किया तो तू 4 दिन पहले भीख क्यों मांग रहा था सबसे कि मुझे मोबाइल दो? मुझे मेरे वीडियोस देखते हैं, सबको देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, एक आदमी को नहीं देना चाहिए, सबको थोड़ा देना चाहिए। तो अब तू मुझे एक बात बता, एक आदमी को नहीं देना चाहिए तो विक्रांत से 1.5 लाख क्यों मांग रहा है तू? क्योंकि उसने खुद बोला, उसने बड़ी बड़ी बातें फेंकी, मैं उसके साथ 20-25 दिन लाइव गया, रोज जाता था, मेरा बनता है उसके साथ। तुझे विक्रांत से किसने मिलवाया? अच्छा सुनो, मुझे लोगों ने कहा कि आप बन्नी को ब्लॉक करो भाई, देखो मुझे
ये तो मम्मी की गाली और विक्रांत के साथ बात मत करो, मुझे लोगों ने कहा है मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। मैं आज के बाद आप लोगों के साथ लाइव नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कश्मीर के लोगों ने कहा कि आप एक सेलिब्रिटी हो। अरे तुझे कौन कौन कहता है और क्या क्या कहता है ना, मेरे पास सारी रिपोर्ट है, समझ गया? तुझे तेरी शक्ल देख करके ना, सुन, तेरी शक्ल देख करके ना तेरा पूरे दिन का दिन चरित्र बता दूं मैं, समझ गया? देखो तो जिस घाट का पानी पी रहा है ना, तो जिस घाट का पानी पी रहा है, मेरे को सारी पानी की रिपोर्ट है। दूध पी रहा है वो, दूध पानी नहीं पी रहा। बन्नी आंखें खोल, अपनी आंखें खोल, आंखें, दूध पी रहा है वो। बोला बोला अभी बोला अभी बोला कुछ तो बोला अभी बोला। तुम्हारे साथ और विक्रांत के साथ लाइव जाऊंगा क्योंकि इसमें मेरी इमेज पे फर्क पड़ता है। मुझे एज अ सेलिब्रिटी, तेरी इमेज इन लोगों ने बना दी, तेरी इमेज कुछ नहीं थी, तेरी इमेज बना दी, तेरी इमेज कुछ नहीं थी। सुन भाई हमारा, हम कुछ भी करें बनाएंगे हम तो। नहीं नहीं भाई नहीं है तुम्हारा, दीपक कलाल तुम्हारा भाई नहीं है, भाई है। अच्छा सुनो, ये कुलदीप मलिक को कॉल पे लेना, कुलदीप मलिक को कॉल पे लो, ये बन्नी को बिठा के कुलदीप मलिक को कॉल पे लो। मैं दो मिनट, मुझे बन्नी की गलत फहमी दूर करने दे दीपक, फिर मैं सबको लूंगा। पहले मुझे मार, कोई नहीं, कुलदीप भाई को लो एक बार, अंकित भाई को नीचे बैठाओ, कुलदीप भाई को लो, कुलदीप भाई को लो दो मिनट, अंकित भाई को नीचे बैठाओ। मना किया है इनके साथ लाइव जाने के लिए विक्रांत, और इसके साथ मैं नहीं जा सकता हूँ लाइव, कुलदीप भैया को कॉल पे लो। वो तो मुझे ही पता है तुझे कौन मना कर रहा है कौन नहीं कर रहा भाई। मुझे कश्मीर के लोग मना कर रहे हैं क्योंकि मैं मुझे अब चलते उठाई गिरा तू, तेरा तेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है, तू खाली तू बस, मैं कह रहा हूँ तुझे आज भी, मैं तेरे को आज के आज ना, अगर तेरे को 2 लाख रुपए दिलवा दू ना, तू 1 महीने के लिए पापा बना लेगा किसी को। बोल हाँ या ना बोल, सामने सब भले बने रहे। दीपक हाँ या ना बोल, दीपक हाँ या ना बोल, तेरे को दिलवाऊंगा अभी पैसे, लाइव पे बैठे बैठे अंकित से दिलवाऊंगा पैसे। कुलदीप भाई की आईडी क्या है? एक मिनट चुप रही हो बनी, कुलदीप भाई की आईडी बताना। कुलदीप_मलिक_यूट्यूबर कुलदीप_मलिक हाँ जी _यूट्यूबर। लेकिन जितना मेरा बनता है उतना मैं लूंगा, ज्यादा ज्यादा देंगे तो मैं नहीं लूंगा। नहीं मैं आज तेरे को किसी के किसी से पैसा दिलवा दूं, तू लाइव पे नहीं आएगा? कुलदीप_मलिक एक मिनट हाँ जी एक मिनट मैं उनकी आईडी बताता हूँ। Kuldeep_KULDEEP Kuldeep_Malik_YouTuber। अरे देख रहे हैं कुलदीप भाई, सबसे ऊपर ही देख रहे हैं। Kuldeep_Malik_YouTuber भाई आज YouTube. के बाद मैं तुम लोगों के साथ लाइव नहीं जाऊंगा, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरी एक इमेज है। तू कोई सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी कुछ नहीं है, तू समझ गया? सेलिब्रिटी बनाने वाले बंदे ये सारे बैठे हुए हैं, कुलदीप भाई, अकी वकी, ये सारे जितने भाई है ना, इन्होंने तुझे सेलिब्रिटी बनाया, तू कोई सेलिब्रिटी नहीं है। उन्होंने मुझे गाली नहीं दी माँ बाप के ऊपर, गंदी गंदी गालियां नहीं दी जो तूने और विक्रांत ने दी। मैंने कब तुझे गाली बक दी भाई? तेरी माँ के ऊपर कब गाली बक दी तुझे मैंने? प्लीज, और तू तू जो हमारी माँ बहन है भाई, राम राम। अच्छा सुनो, अच्छा तुम खुद मुझे बताओ क्या मैंने किसको गाली दी अभी? एक मिनट रुको, उनको पूछने दो। और क्या मैं देता हूँ? हाँ भैया आप खुद बताओ, क्या मैं गाली देता हूँ मम्मी के ऊपर? दो तीन दिन से देख रहा हूँ तेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, अब क्या फिल्म होगी? भैया देखो, ये लोगों के साथ मैंने सोचा जाने दो, चलो ये लोग मुझे बात कर रहे हैं वापिस तो मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग इतनी गंदी बात कर रहे हैं कि मुझे कश्मीर के पॉलिटिशियंस के फोन आए, उन्होंने कहा कि आप ये लोगों के साथ लाइव मत जाना। एक पॉलिटिशियन का नाम बता मुझे कश्मीर का। मैं बनी और विक्रांत के साथ मुझे नहीं लगता है कि मुझे लाइव जाना चाहिए। अरे मेरी छोड़, तू मेरे साथ लाइव आ मत, भाड़ में जा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तू एक पॉलिटिशियन का नाम बता जो तेरे कॉन्टेक्ट में अच्छा बंदा है,
कश्मीर का। अच्छा रुक एक मिनट, मैं उनको कॉल करता हूँ, एक मिनट मैं अभी उनको कॉल करता हूँ। अरे ऐसे लोग भी होते हैं जो साथ देते हैं और सामने नहीं आते यार, नाम मत। अरे कुलदीप भाई कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, ये साथ देने वाला बंदा आस्तीन का साग, ये जिस कटोरी में दूध पिलाता है वही दूध पी जाता है, इसका साथ देगा कोई? तो तेरी क्या फिल्म होगी अब, चल विक्रांत से तो इसकी लड़ाई हो रही है, अब तेरे से क्या सीन हो गया? इसका इसका हाँ। मेरा कोई सीन नहीं है इससे, मैं तो भरा पड़ा हूँ इससे बस। भैया इसने मुझे ऐसे कहा कि ये मुझे 10 जोड़ी कपड़े जूते बेल्ट भेजेगा, मैं इसके साथ फ्री में लाइव में गया, और देखो मैं इससे पैसे इसीलिए लेता था क्योंकि ये बदसूरत है, अगर ये खूबसूरत होता इसके डोले शोले होते तो मैं इससे पैसे नहीं लेता, ना तो इसकी अप्रोच है पॉलिटिकल अप्रोच है, ना इसमें कुछ है, ना इसमें खूबसूरती है, इसके बाल भी झड़े, इसीलिए मैं इससे पैसे लेता था। दीपक कुलदीप भाई इस बात में हामी भी भर देंगे और नामी भी भर देंगे और अक्की भी भर देगा, किसी को खाली वीडियो पे देख करके उसके पीछे का तजुर्बा मत लगा, समझ गया मेरी बात? मैं तुझे आज भी कह रहा हूँ मेरे फादर क्या है क्या नहीं है, मैं यहाँ लाइव में मैंने आज तक डिस्कस नहीं करा और ना मैं करूंगा, रियलिटी में जिस दिन आएगा ना तेरी गांड फट जाएगी, समझ गया? अंकित भैया ने जो अभी आए थे उन्होंने मुझे पूछा तुझे मोबाइल के लिए मैं पैसे देता हूँ, देखो ये सैटरडे का मेरा मैसेज है, मैंने उनको कहा आई डोंट वांट मनी और ये सैटरडे का उनका मैसेज है, और तुम मुझे बताओ अंकित भैया तुमने भी मुझे पूछा ना कि दीपक मैं तुझे मोबाइल के लिए हेल्प कर सकता हूँ, अंकित भैया मैंने बोला दुनिया मुझे पैसा इकट्ठा करके देगी, अंकित भाई आप मुझे बताओ मैंने आपको मना किया ना? मना कर दिया इसने कि भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसे, मैं रो 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 आंसू नहीं आए, रो 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 पहले रो पहले आंसू निकाल मेरे पास, और ये प्रूफ भी है मेरे पास कि मैंने सैटरडे का ये मैसेज है, नहीं वो एक्टिंग करने वाला है ना जल्दी से रो रो रो। दीपक अब तू चाहता क्या है ये बता। कुलदीप भाई तुम दिल्ली से हो ना या फरीदाबाद से? फरीदाबाद से हूँ, एक ही बात है भाई, जिस दिन तुम्हारा चक्कर लगे ना तुम एक दिन आना, इसकी गलत फहमी गंजे की ना उतारनी है मुझे तुम्हारा, जिस दिन दिल करे ना तुम मेरे घर आना और शोरूम पे आना इस गंजे। अरे वो तेरा शोरूम है शोरूम है बनी तेरा, तू साले 2000 की टोपी ना शर्मा दर्जी नाम से जानते हैं, शर्मा दर्जी। दीपक मैं तुझे कह रहा हूँ मैं शोरूम पे जा करके ना इतनी गालियां नहीं बक सकता या मैं इतनी बातें नहीं कर सकता क्योंकि स्टाफ होता है, ड्यूटी करता है, ये तो तू भी जानता है मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, समझ गया? मुझे तुझ जैसे इंसान को बताने की तो जरूरत नहीं है, मेरे जो भाई है ना वो मेरे पास आएंगे वो अच्छे से जान जाएंगे, समझ गया मेरी बात दीपक? और तू भी अपना भाई है समझ गया, तेरा तू मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं तुझे आज भी कह रहा हूँ तू जहाँ बैठता है ना वही डरता है, वो पॉलिटिशियन से मैं बात करवाता हूँ, उनका मुझे क्या मैसेज आया एक मिनट, लेकिन उनका जो मैसेज है ना वो इस मोबाइल में है तो मैं उनसे बात करवाता हूँ, वो पॉलिटिशियन को रुको मैं सब बात करवाता हूँ, मुझे इस मोबाइल पे आप ऐड करो, कहाँ के पॉलिटिशियन है वो, कहाँ के पॉलिटिशियन है वो, मेरे पास प्रूफ है रुको मुझे इस मोबाइल में अभी ऐड करो, मैं इस मोबाइल में वो प्रूफ है सब रुको, कहाँ के पॉलिटिशियन है भाई हमें भी बता दे हम भी देखे जरा, और भाई जिसे गलत फहमी दूर करनी हो तुम दोनों भाई हो मेरे आ जाना, भाभियों के लिए लत्ते ले लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम दोनों की गलत फहमियां दूर करूंगा मैं बहुत जल्दी, जो तुझे बोनस मिलेगा ना वो तेरा कट जाएगा जो हम शॉपिंग करेंगे, दीपावली का जो तुझे बोनस मिलने वाला होगा ना 2 जोड़ी कपड़े 2100 रुपए और एक मिठाई का डिब्बा वो कट जाएगा तेरा, और अपने अपने दिल पे हाथ रख के खा के कसम कहते मेरा शोरूम नहीं है मैं बैंचो बोनस भी कटवा लूंगा, तू दिल पे हाथ रख के कहते कि बन्नी तेरा कोई शोरूम नहीं है तो चूतिया पड़ा रहा, तू ये हुक्का हटा दे अभी, अक्की भाई भी मीटर खींच रहा पूरा भाई, अक्की को सिखा दिया ना इनने, यू गंजे ने सिखा दिया कैसे लेनी है और कैसे देनी है, सुने बात सिखाने की नहीं है मीटर, यहाँ कोई बनी मेरी बात सुन, यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं चल रही है, जो क्लियर है वो चल रहा है, पहली बात तो देख जो जब तेरी बस कलाल दीपक वसंत कलाल एक नंबर का मीठा है, और इस मीठे के चक्कर में मत पड़ो मैं तुम्हें आज भी बता रहा हूँ, जब तक एंजॉयमेंट मिल रही है निकालो नहीं तो कुछ,
तेरी दीपक से लड़ाई करके कोई कमाई हो रही है बता मुझे। अरे मेरी लड़ाई तो है ही ना, मैं तो मजे ले रहा हूँ, इसका कोई दिक्कत वाली बात ना भाई है ही अपड़ा। एक बार कमेंट में देख लोग क्या कह रहे हैं, अच्छा ना लगे दीपक को साथ दे इसका। अरे दीपक, दीपक का तो साथ है भाई, अब यहाँ बताऊँ क्या दीपक पर्सनली क्या क्या बातें करता है ना, ठीक है जो फिर पब्लिक देखेगी क्या। अच्छा अब तो तू इस बात को ले रहा है कि स्क्रिप्टेड है सारा। ना ना स्क्रिप्टेड तो नहीं है, पर इसकी जवाब पे तो जवाब देना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। और कहाँ हो, कोर्ट में हो, कहाँ पे हो, घर पे हो? भाई मेरे घर में रेनोवेशन चल रही है तो आज मैं गया नहीं, हाई कोर्ट जाऊंगा चंडीगढ़। और काड़ो तुम दोनों को कसम है, तुम दोनों मेरे बड़े भाई हो, दिवाली आ रही है शॉपिंग करने तुम यहाँ पे आओगे, साड़ो तुम्हारी आंख पे लगा हुआ मैं लटाऊंगा। मैं भाई वाली बात है, तेरा बोनस कट जाएगा ना, कोई दिक्कत भाई उस दिन वीडियो कॉल भी करूंगा, सुनो लाइव चला के वीडियो कॉल करूंगा, बोनस बट रहा है या बोनस कट रहा है। मैं जो कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई बात माने नहीं माने, वकील साहब यू बात माने नहीं माने भाई, दिवाली वाले दिन बोनस बटेगा या मिलेगा, लाइव चलाऊंगा और सारे भाई देखना, वर्कर भी गिनना कि कितने वर्कर है बन्नी के नीचे, लेकिन सारे बड़े भाई है। मेरी इज्जत है मालिक, प्लीज मुझे बांटने दो, गरीब हम भी भंडारा करते हैं तो वहाँ पे गरीब लोगों को ही खड़ा करते हैं कि तू बांट ले, ऐसा नहीं है हम नहीं बांट ले। अरे मालिक, मालिक तो मेरा बाप ही है, मालिक तो मेरा बाप ही है। लाइव चलती हुई है, हेलो सुने ये लाइव कट हो रही है एक घंटा। हाँ हाँ भाई दोबारे लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारे आना, दोबारे लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ, ये लाइव कट हो रही है। स्वाद आ रहा है ना इसे, गांडू को मुझे गाली देने में स्वाद आ रहा है ना, अब ये स्टार्ट करेगा दोबारे से, स्वाद ले ले ले, स्वाद ले ले तू, स्वाद ले ले तू, स्वाद ले ले तू, स्वाद पहले पहले थार, थार जो लेकर के आया ना, थार रेंट पे जो लेके आया उसको शोरूम देकर के आया, शोरूम पे देगा थार को, पहले पहले थार को शोरूम पे देगा थार को, आज 60 रुपए तेरे खत्म हो चुके, तू छोले भटूरे भी नहीं खाएगा बनी।